मॉर्निंग क्लास एट। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1C को समझेंगे। इससे पहले हम मैंने सब सारा समझा दिया है कि नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग रेशन नंबर। तो आप इसको देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं ऐड कैसे करता हूँ। यहाँ पे दोनों नंबर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में दोनों नंबर क्या सेम है। आप इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और 5 का एलसीएम 5 होगा। 5 में 5 से डिवाइड करें 1 होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिए -2, फिर 5 बाई 5 1 होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4। अब देखो जो नंबर है, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट पहले कर दो, 2 आ गया बाई 5। अब 12 नंबर क्या है, 4 है। 4 के आगे साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को देखो, यहाँ बोल रहा है एट द फॉलोइंग रेशन नंबर। यहाँ 2 एंड -5/4 है, तो यहाँ पे इसी तरह क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे। किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब देखो कि 4 और 1 का एलसीएम क्या हो गया, 4। फिर 4 1 जा 4 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8। फिर 4 बाई 4 1 होगा, 4 1 जा 4 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो पहले एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, तो साइन को क्या करेंगे, पहले उसको डिफरेंस निकाल लेंगे। 8 में से 5 जाएगा कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ 8 का साइन क्या आगे में प्लस है, इसलिए आप प्लस लगा दें आंसर। सेम यहाँ पे कह रहा है हमारा क्वेश्चन, वेरीफाई द फॉलोइंग। तो वेरीफाई करने के लिए जब भी बोलेगा इस तरह के क्वेश्चन को, तो हम लोग क्या करेंगे, LHS और RHS में वेरीफाई करेंगे। तो LHS मैंने लिख लिया है, LHS कहते हैं लेफ्ट साइड वाले पार्ट को, LHS बोलते हैं लेफ्ट साइड वाला पार्ट को, RHS बोलते हैं राइट साइड वाले पार्ट को। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, -7 और 35, -35, तो 7 35 का एलसीएम 35 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, ये माइनस से माइनस ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया, 7 5 जाए तो 5 2 जा 10, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर कितना है, 35 35 1 जा 35, 35 को 1 आ गया, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, लेकिन ये वाला माइनस ऊपर चल जाएगा। अब देखेंगे जब भी माइनस माइनस रहेगा, सेम साइन या प्लस प्लस रहता है, तो ऐड करते हैं। यहाँ भी ऐड कर देंगे, क्या आ गया, 22 -22/35। इसी तरह यहाँ देखिए RHS में, ये दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 35 आएगा। फिर 35 को 135 से करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे करेंगे तो 12, ये माइनस ऊपर चल जाएगा। फिर देखो ये 7 है, 7 से इसको डिवाइड देंगे, 5 आएगा, 5 को 2 से करेंगे 10, या माइनस से ऊपर चल जाएगा। यहाँ ऐड कर देंगे तो सेम आ जाएगा, -22/35। देखो LHS और RHS में दोनों वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। अब देखो यहाँ बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहे थे। यहाँ पे देख लेंगे कि -3/17 है, -12/5 है, यहाँ फिर इक्वल टू के बाद -12/5 है, तो क्या नहीं है, ये नहीं है, तो ये आप यहाँ लिख दीजिए -3/17 आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ भी करेंगे क्या, -9 इधर है, क्या नहीं है भाई, तो -12 21/8 नहीं है, यहाँ फिलअप कर देंगे -21/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिटिव इनवर्स। अब इस बात को समझेंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके एक बात को मैं पढ़ा देता हूँ कि एडिटिव इनवर्स क्या है। देखो कि फॉर एवरी रेशन नंबर ए बाई क्यू, देयर एग्जिस्ट ए रेशन नंबर -a/b सच दैट a/b + -a/b इक्वल टू, अगर इसको ऐड करें तो 0 आएगा। मतलब एडिटिव इनवर्स का मतलब हो गया कि साइन हम चेंज कर देंगे, यानी -17/8 है तो +17/8 लिख देंगे, ताकि दोनों का वैल्यू को अगर हम सम करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की सब्ट्रैक्ट फ्रॉम की बात कर रहा है, फ्रॉम जो बोलेगा उसको पहले लिखेंगे, फ्रॉम है इसको पहले लिखें और फिर इसको बाद में लिखेंगे। फिर एलसीएम ले लेंगे, 12 हो जाएगा, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 को 1 से करेंगे 4। फिर 12/4 है तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स आएगा 12, तो 3 3 जा 9। अब यहाँ माइनस कर दो तो -5/12 आएगा। क्यों माइनस करेंगे, एक प्लस है, 4 का साइन प्लस, इसका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे। बड़ा के आगे का जो साइन होगा, बड़ा के आगे का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। तो कौन सा नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे
माइनस टू बाई थ्री से कि हमारा नंबर माइनस वन बाई सिक्स आ जाएगा। तो क्या करेंगे, लेट एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मान लेंगे फ्रॉम माइनस टू बाई थ्री टू गेट माइनस वन बाई सिक्स। अब यहाँ पे हम लोग लिख दिया, पहले इस नंबर को लिख दिए फ्रॉम बोला तो, और ये देखो माइनस एक्स उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस एक्स, साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस टू बाई थ्री है, अब ये माइनस वन बाई सिक्स इधर आया तो प्लस वन बाई सिक्स और का साइन, और एलसीएम ले लेंगे थ्री और सिक्स का एलसीएम सिक्स होगा। अब सिक्स से में हम लोग थ्री से डिवाइड करेंगे टू आएगा, तो टू को ऊपर से मल्टीप्लाई होगा माइनस फोर, और यहाँ पे सिक्स बन जाए सिक्स, तो वन से मल्टी वन, फिर प्लस एक माइनस आ गया, तो माइनस प्लस में क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले तो माइनस कर लो, फोर में से वन जाएगा थ्री, और यहाँ पे बड़ा का साइन क्या है, फोर का आगे बड़ा है नंबर है, उसके आगे माइनस का साइन, तो माइनस लगा दो, थ्री वन जाए थ्री, थ्री टू जाए सिक्स, आपका आंसर हो गया वन बाय माइनस वन बाय टू। ओके थैंक यू, आप लोग होमवर्क में लिख लेंगे कि एक्सरसाइज वन ए का से लेकर सी तक पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।